बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 9। स्टूडेंट, जैसे कि हम लास्ट टाइम कमांड्स पढ़ रहे थे, कमांड्स में हमने बहुत सारी कमांड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे एम के डायरेक्टरी कमांड, ठीक है। एम के डायरेक्टरी कमांड, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। जैसे कि स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमारे पास कोई डायरेक्टरी है, ठीक है, अगर हमने उसके अंदर डायरेक्टरी बना लिया तो उसे हम क्या कहेंगे, सब डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ के अंदर हम फर्दर मोर कोई चीज़ इंक्लूड करते हैं तो हम उसको सब कहते हैं। इसी तरह अगर हमने एक डायरेक्टरी के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो, यानी कि उसके अंदर फोल्डर बनाना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये इसकी क्या है, सब डायरेक्टरी, ठीक है। अब आपके पास स्टूडेंट ये सिंटैक्स क्या है, स्टूडेंट जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सिंटैक्स आपने एज इट इज़ ही लिखने हैं। जैसे कि एम के डी आई आर डायरेक्टरी, आगे आप क्या है, पाथ नेम, आप क्या करेंगे, एम के डी आई आर लिखेंगे, डी ड्राइव में है, ठीक है, बाद कोलन लगाएंगे, बैक स्लैश, गुड। गुड क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक डायरेक्टरी है जो कि एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर हमने एक और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बनानी है, उसका क्या नाम है, इन्वेंट्री। हम क्या करते हैं, इस तरह पहले सिंटैक्स लिखते हैं, ड्राइव ना लिखते हैं हमने किस ड्राइव में है, फिर आगे हम पहले जिसमें जो ऑलरेडी डायरेक्टरी हो जिसके अंदर हमने दोबारा बनानी हो, ठीक है, जिसके अंदर हमने सब डायरेक्टरी बनानी हो, वो आगे हम इस तरह लिखते हैं और फिर डबल कोटेशन मार्क में उसको क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आपके पास एक्सीड ये जो होना चाहिए ना, वो 63 करेक्टर्स होने चाहिए स्ट्रिंग के, ठीक है। आप जो 63 करेक्टर्स लिखेंगे वो इस तरह, ये 63 करेक्टर्स होने चाहिए आपके, आप जो इसको करने के देंगे। इससे क्या होगा, डी आई एम के डायरेक्टरी में क्या होगा, एक और गुड में एक और उसका डायरेक्टरी बन जाएगी, उसका क्या नाम होगा, इन्वेंट्री, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है 2.9.11 नेम कमांड। स्टूडेंट्स, अब नेम क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू रीनेम आर फाइल, ठीक है। आपके पास एक फाइल ऑलरेडी है, आपने क्या करना है, उसको रीनेम करना है। हम मोस्टली कर लेते हैं कि याद रखने के लिए तो हम उसको रीनेम कर लेते हैं, या हमें बाद में और नाम सूटेबल लगता है, या किसी और को सेंड करनी है तो हम उसको रीनेम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब रीनेम का सिंटैक्स क्या है, रीनेम में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम कैप्स लॉक में लिखा सारा, ओल्ड फाइल नेम जो उसका पहले फाइल नेम है वो वाला, एस न्यू फाइल नेम, यानी कि जो आप अब फाइल नेम उसको न्यू देना वाली है। सबसे पहले आप नेम एज इट इज लिखेंगे, रिमार्क यानी कि .com, ये क्या है, एक ओल्ड फाइल का नाम है, ठीक है, एस आर एम के एस। अब देखिए मैंने ये कैपिटल लिख दिया, इसका मतलब है पहले फाइल का नाम क्या था, रिमार्क डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड पे थी उसका नाम ये था, रिमार्क इस तरह लिखा था, लेकिन अब हमने चेंज करके क्या कर दिया, इस तरह लिख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल नेम क्या होगा, रिमार्क चेंज होगा, किसमें चेंज हो जाएगी, ये वाला फाइल नेम आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में सेपरेटली डबल कोटेशन मार्क डालेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, रीनम, रीनम कमांड, ठीक है। रीनम क्या होता है, सम टाइम हमने नंबर लिख लिए होते हैं, ठीक है, हम नंबर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रीनम कमांड यूज करते हैं। रीनम का साइंटिस्ट क्या है, सबसे पहले रीनम लिखेंगे न्यू लाइन, ठीक है, न्यू नंबर जो हम दे रहे हैं, कोमा और नंबर, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट, आपने उसके अंदर क्या इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें, इंक्रीमेंट यूज किया जाता है वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि आपने बताना है कि आपने कितनी इंक्रीज करनी है। सबसे पहले अगर आप रीनम सिर्फ सिंपल लिखते हैं ना स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा, वो आपका लाइन नंबर 10 से शुरू कर देता है, 10, 20, और इंक्रीमेंट आपको कितने का देते हैं, 10 का खुद ही देते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, ठीक है, वो इसी तरह चलता रहेगा। अगर रीनम के बाद आप 50.5 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, ये पहली वाली वैल्यू, ठीक है, हमने नहीं बताया, वो क्या करता है, 10 के बाद 10 को ही 15 कर देगा, और इंक्रीमेंट कितने का कर देगा, 5 का, जैसे 15 के बाद 20, 25, 20 के बाद 25 के बाद 30, 35। इसी तरह रीनम के बाद अगर हम स्टूडेंट 50 ये लाइन नंबर लिखे, सेंटर वाला देखें 20 नजर आ रहा है, 20 लाइन, अब क्या करेगा, 10 एज इट इज चला जाएगा, लेकिन 20 के बाद 15 मैंने पहले लिखा था, 15 का मतलब ये है कि आपने 15 तो ऐसे लिखना है, ठीक है, 20 के बाद क्या आ जाए, 20 की जगह रिप्लेस हो जाए 15, और उसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट हो जाए, 15 के बाद आ जाएगा 20, 25। स्टूडेंट इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है, जितने का आपने इंक्रीमेंट दिया होगा उसके इंक्रीज करता जाएगा और आपकी वैल्यू लाइन नंबर चलती जाएंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है आर एम डायरेक्टरी कमांड, ठीक है। आर एम डायरेक्टरी कमांड किस लिए यूज की जाती है, दिस कमांड इज यूज टू रिमूव एंड डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क, ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क के अंदर से कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे कि सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स में एक पाथ नेम बताएंगे, डायरेक्टरी है उसके आगे डायरेक्टरी कौन सी है, इन्वेंट्री,
तो इससे क्या होगा, ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट ये डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, इन्वेंटरी आपके पास खाली होनी चाहिए। हमने इससे पहले किल कमांड पढ़ी थी स्टूडेंट, किल कमांड के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, किल लिखे डी ड्राइव गुड, ऐसे ही इस बैक स्लैश, फिर बैक स्लैश इन्वेंट्री और स्लैश स्टैरिक डॉट स्टैरिक। और आपको पता है स्टैरिक डॉट स्टैरिक इसलिए हमने स्टूडेंट यूज किया था कि अगर हमारे पास उसका फाइल नेम या एक्सटेंशन जो मर्जी हो, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं होता। लेकिन आपने क्या करना है, पहले इस डायरेक्टरी को खाली करना है, जब ये खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, देन हम उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, रन कमांड। दिस कमांड इज यूज टू एक्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन द मेमरी, इफ द प्रोग्राम इज नॉट इन द मेमरी इट फर्स्ट लोड एंड देन इट रन, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी कोई प्रोग्राम रन करवाना है, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको रन लिखते हैं, रन से क्या होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है सबसे पहले। और आपके पास शॉर्टकट की क्या है, या F4 प्रेस कर देते हैं। साइंटेक्स में आपके पास क्या आता है, आप क्या लिखते हो, रन लाइन नंबर कॉमा आर, ठीक है, इसी तरह रन फाइल नेम आर। अब देखें स्टूडेंट एग्जाम्पल, ये साइंटेक्स आप एज इट इज याद करेंगे। एग्जाम्पल देखें, रन लिखा है टेबल डॉट BAS कॉमा आर। सो यहाँ पर आपके पास एक क्या है, बाइस में यानी बेसिक में एक प्रोग्राम आपने बनाया टेबल, ठीक है, आप उसे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। आपने रन किस लिए यूज किया हुआ है कि आपके पास क्या होता है सम टाइम, ठीक है, आपकी फाइल्स क्या होती हैं, समटाइम क्या होता है, आर लिखने का मकसद क्या होता है, ठीक है, आपके पास क्या होता है, अगर आप सिंपल F4 प्रेस करते हैं ना तो रन हो जाती है, ठीक है। आपसे क्या होता है, वो एग्जिस्टिंग फाइल जो आपके पास ओपन होती है ना सामने, वो गायब हो जाती है। अगर तो स्टूडेंट्स आप आर लिखते हैं तो एग्जीक्यूट होकर फाइल आपके सामने रहती है, अगर आप आर नहीं लिखते, विदाउट आर लिखते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वो जस्ट एग्जीक्यूट होती है, रन होती है, वो चली जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग फाइल वहाँ पर रहे, तो हम उसके बाद क्या लिख देते हैं, आर। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास आता है सेव कमांड, ठीक है। सेव कमांड क्या होता है, जब भी आपने फाइल को आपने सेव करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फ्रॉम द लेटर यूज। मोस्टली हम सेव चीजें इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, बाद में यूज कर सकें, ठीक है। आपने उसको बाद में लेटर यूज करने के लिए आप लोग इसे रखते हैं। सबसे पहले साइंटिक्स क्या है, सेव फाइल नेम कोमा ए और सेव फाइल नेम कोमा आर पी। अब देखें एग्जाम्पल में क्या है, सेव है मैट्रिक्स डॉट बाइस, ठीक है, बाइस। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपके पास क्या बेसिक का एक प्रोग्राम था, उसका नाम क्या था, मैट्रिक्स। ए लिखेंगे तो इसका मतलब है वो कौन से एस्काई कोड में, ठीक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, सेव होगा, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स के बाद पी लिखते हैं, फाइल नेम के बाद क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, इसका मतलब है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में वो सेव हो जाएगा। स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपने एस्काई में करना है तो आप ए लिखेंगे कॉमा, अगर कोई फाइल नेम लिखने के बाद आप उसे क्या लिखेंगे, अगर आप बाइनरी में जाएंगे तो पी लिखेंगे। इसी तरह सिस्टम में अगर आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, सिस्टम कमांड। स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम कमांड इसलिए होती है कि अगर हमने GW बेसिक को क्लोज करना हो और अपने दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। सिस्टम कमांड की आपके पास डेफिनेशन है, दिस कमांड इज यूज टू एग्जिस्ट फ्रॉम द GW बेसिक एंड रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या करते हो, दोबारा अपने सिस्टम में चले जाते हो, यानी स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो में चले जाते हैं। इसके लिखने का मकसद ये होता है कि आपका क्या होता है, एक तो ये होता है ना GW बेसिक के एंड में क्रॉस का बटन होता है, ठीक है, वो जो रेड कलर का होता है, या तो हम उसको वहां से क्लोज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, जस्ट हम लिखते हैं सिस्टम और एंटर प्रेस करते हैं, जो आपकी GW बेसिक ओपन होता है वो क्लोज हो जाती है फाइल, और आपके पास क्या आ जाता है, दोबारा आप अपने स्टार्टिंग में, जैसे कि आपके पास एक विंडो होती है, वहां पर चले जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है एल लिस्ट कमांड, ठीक है। आपके पास एल लिस्ट, लिस्ट अगर हमने पहले भी कमांड पढ़ी है स्टूडेंट, लिस्ट का मतलब होता है कि अगर हमने स्पेसिफिक कोई लाइंस देखनी है उनके लिए, लेकिन एल लिस्ट का मतलब ये है, दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम करंटली मेमोरी टू द प्रिंटर, ठीक है। आपने क्या करना है, वही लाइंस, ठीक है, आप लिस्ट में क्या करते थे, जस्ट लाइंस लेते थे। एल लिस्ट का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, उन लाइंस को प्रिंट करवाना है, ठीक है। साइंटिक्स क्या है, आप एल लिस्ट लिखेंगे लाइन लाइन नंबर
आगे आप लिखेंगे डैश लाइन नंबर, ठीक है, आप एल लिस्ट या लाइन नंबर। आप एग्जांपल देखें, जिससे कि अगर मैं लिखती हूँ एल लिस्ट 20 to 40, इसका मतलब है 20 से लेकर 40 लाइंस जो है वो क्या हो जाएंगी आपकी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है, प्रिंटर से। उसके बाद अगर एल लिस्ट मैं लिखती हूँ 20 डैश, इसका मतलब है 20 के बाद वाली सारी लाइन यानी 20, 30, 40, 50, ये सारी लाइंस क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह एल प्रिंट, एल प्रिंट का मतलब देखिए, प्रिंट का मतलब क्या होता है, जब हमने कोई चीज़ रन प्रिंट करवानी है, ठीक है, हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं ना प्रिंटर कमांड। एल प्रिंट का मतलब भी क्या है कि आपने जब कुछ प्रिंट करवाना हो, लेकिन इधर क्या है, प्रिंट हम किस में करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, प्रिंटर पे। दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट डेटा एट द प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सिंटैक्स है एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन में आपके पास बहुत हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकता है, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, और यहाँ पे जो सेमीकोलन यूज़ हो रहा है स्टूडेंट, ये आपको सेपरेट करता है, ठीक है, अगर आपने दो लाइंस लिखनी है खटी तो ये उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। जैसे कि एल प्रिंट लिखेंगे, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आगे पास क्या आता है, काउंट कमांड, काउंट, ठीक है, इसका मतलब है कॉन्टिन्यू। समटाइम हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं स्टॉप लगा देते हैं, या कंट्रोल प्लस कंट्रोल ब्रेक लगा देते हैं, या स्टॉप कमांड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स, तो उससे क्या होता है, आपका प्रोग्राम क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, आपके पास स्टॉप हो जाता है। अगर हम क्या करें, काउंट लगाते हैं, काउंट लगाने से ये क्या होगा, दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, और उससे आपका प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आप दोबारा उसे कंटिन्यू की रनिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपकी यहाँ तक सारी कमांड्स क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई, इनको अच्छी तरह आपने साथ साथ लिखना है, ये बहुत अहम है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक स्टेटमेंट्स। जैसे कि स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है, पूरी लाइन यानी कि हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लाइंस नंबर्स एक तो आती हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले 2.10.1 है एंड स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट हम प्रोग्राम के एंड में लगाते हैं, लेकिन ये क्या होती है स्टूडेंट, ऑप्शनल होती है, आप लगा भी लेते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाते तो ये रन कर जाते हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल रन लिख भी दें तो वो रन कर जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं मोस्टली, किस तरह हम कमांड लिखते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं 10, 20, 30, 40, और एंड में हम क्या लिख देते हैं, एंड। इसके बाद अगर हम रन लिखते हैं प्रोग्राम रन कर जाता है। आपने क्या करना है, इसके आपके पास सिंटैक्स क्या है, सिंपल एंड ही होता है, आपने इसके बाद एंड करना, एंड एंड पे लगाते हैं, और अगर आपके अगर 30 लाइन है, 10, 20, 30 जितनी भी लाइन्स होती है ना स्टूडेंट्स, वहाँ तक एंड, उसके बाद हम एंड लगा देते हैं, यानी कि अगर आपका एक प्रोग्राम क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है रिमार्क स्टेटमेंट। रिमार्क स्टेटमेंट क्या होता है, जब हमने कोई रिमार्क्स देने हो, ठीक है, यानी कि मोस्टली ऐसा होता है ना, जब आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक के साइड में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स में दी जाती है, इसी तरह आपके पास क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उससे रिलेटेड हमने कोई भी लाइन लिखनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको अंदर अगर हमने लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, रिमार्क्स में लिख लेते हैं, उससे क्या होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। आपके पास रिमार्क्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, दिस इज एन नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज यूज टू एड अ एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम, ठीक है। आपके पास क्या है, सबसे पहले रिमार्क्स में आप क्या लिखते हैं, आर ई एम लिखते हैं, आगे रिमार्क्स लिख देते हैं, या आप क्या लिखते हैं, अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और रिमार्क्स लिख देते हैं। इससे क्या होता है, या तो आपका जैसे रिमार्क्स लिख के आगे आप रिमार्क्स लिखते हैं ऐड द टू नंबर, यानी हम उससे प्रोग्राम से रिलेटेड ही लिख रहे हैं कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है टू नंबर्स, आपका ये लाइन भी लाइन नंबर 10 भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम क्या लिखते हैं, इस तरह कॉमा लगा के रिमार्क्स लिख देते हैं, कुछ भी लिखते हैं, डिस्प्ले एवरेज, ये भी इस तरह की लाइन्स यानी कि आपकी क्या नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। बाकी ये जो लाइन हम लाइन्स के साथ लिख रहे हैं वो सारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। रिमार्क्स का मतलब यही होता है कि हमें लेटर जब हम उस चीज़ को यूज़ करें तो हमें समझ आ जाए, या हम किसी और पर्सन को जो सेंड करने वाले हैं उसको समझ आ जाए कि इस प्रोग्राम में क्या इन्फॉर्मेशन है या किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप स्टेटमेंट क्या होता है, समझे स्टूडेंट, अगर हमारा प्रोग्राम बहुत लॉन्ग है, ठीक है, आपने क्या की है 20 यानी कि 100 तक है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं 10 लाइन के बाद हम स्टॉप लगा देते हैं। इससे ये क्या होता है, पहली जो 10 लाइन है वो ट्रांसलेटर या कंपाइलर ट्रांसलेट कर लेते हैं, इससे हमें ये पता आसानी हो जाती है कि कोई एरर तो नहीं है, अगर तो कोई एरर होगा वो इजीली फाइंड हो जाता है साथ साथ, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 10 लाइन के बाद स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह सिंटैक्स क्या होता है, आपके पास स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है,
और आपके पास स्टॉप की डेफिनेशन है, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्पररी एंड रिटर्न द कमांड लेवल। ठीक है, आपका क्या होता है टेम्पररी, उसको स्टॉप किया जाता है, फिर आप क्या करते हो काउंट लगाकर उसको क्या कर देते हो कंटिन्यू। स्टॉप क्या, अब क्या है साइंटेक्स क्या है, एसटीओ पे स्टॉप लिख देते हैं। एग्जांपल में देखिए, अगर आपने 40 के पास स्टॉप लगाया है, फिर हम क्या करते हैं उसे कंटिन्यू करने के लिए काउंट लगा देते हैं। इससे क्या होता है दोबारा आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है कंटिन्यू वर्क करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स आज का काम ये है कि आपने क्या करना है, सारे मैंने आपको कमांड्स पढ़ाई हैं, वो सारी कमांड्स आपने कॉपीज पे लिखनी है और उसके साइंटेक्स विद एग्जांपल। और स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेटमेंट का, तीन स्टेटमेंट्स हैं आपकी बुक में, आपने ये तीन अच्छी तरह याद भी करनी है और इनको लिखना है विद साइंटेक्स। और साइंटेक्स का काम आपका ये है कि आप अच्छी तरह याद कर करके लिखें ताकि आपको इनको अच्छी तरह याद हो जाए। इसके अलहदा से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है इनको याद भी करना है और इनको दोनों को साइंटिक्स को और कमांड्स को लिखना भी है, और ये काम आपका चेक होगा।